हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार, आप सभी को हॉस्पिटलिटी पी चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ऊंचाई दूरी, जो पीछे का वीडियो में पार्ट फोर तक इस वीडियो का पार्ट का हम डाल चुके हैं, तो आज बताने वाले हैं पार्ट फाइव क्वेश्चन नंबर सेवन। यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले और लाइक करें, ताकि मैं वीडियो डाले तो आपके पास अवश्य पहुंच सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। प्रश्न है एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 9.1। तो क्वेश्चन नंबर सेवन है, एक आग्रह भी है कि ये वीडियो देखने से पहले आप पार्ट फाइव तक पहले देखें जरूर, फोर तक, उसके बाद ही पार्ट फाइव देखें, मतलब ज्यादा समझ आने वाला है। तो प्रश्न कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, तल का मतलब था पाद, और शिखर का उदयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो बताए थे कि ऊंचाई दूरी क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, तो दो तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले तो चित्र बनाना है और उसके बाद साइन लगाना है कि कॉस लगाना है, टेन लगाना, उसका पता होना चाहिए। तो पहले चलते चित्र की तरफ। प्रश्न कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि के क्या से, एक बिंदु से, मान लेते पूरा धरातल है और धरातल पर एक बिंदु है, ठीक, पानी बिंदु है, कहा कि भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि पर एक बिंदु लिए एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन देना ध्यान से, कहा कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो ध्यान से का मतलब होता है कि विपरीत चिन्ह बनता है, मतलब एक लेफ्ट में एक राइट में, तो भूमि पे एक बिंदु है और एक 20 मीटर ऊंचे क्या है, भवन है, एक भवन लेता है कितना मीटर का, 20 मीटर का। ए बी भवन है और भूमि पर एक बिंदु क्या है, सी है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भवन के क्या चीज पर, शिखर, भवन के, भवन यही ना है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, भवन के शिखर पर लगा एक क्या है, संचार मीनार, मतलब कुछ टावर है छोटा मोटा, संचार मीनार मानते क्या है, डी मानते हैं। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्हें कोण 45 और 60 है, तो तल बोलते हैं जड़ को, पाद को, तो किसका तल कह रहा है, संचार मीनार के तल, तो ए डी संचार मीनार है, ए डी संचार मीनार का ए जो है वो तल है और डी जो है शिखर है, इस तरह है। तो संचार मीनार के तल और शिखर का उन्हें कोण 45 और 60 है, तो पहले कौन आया है, तल, तो पहले तल आया है, तो तल को मिलावे कौन बिंदु से, जो जमीन पर बिंदु था वो उसी से बनेगा, और पता ही है कि उन्हें को कहा पता है, नीचे के तरफ, तो तल का उन्हें कौन, तल का हो गया, तल का उन्हें कितना है 45 और शिखर का उन्हें कौन, संचारित मीनार का उसी बिंदु से ना, शिखर का उन्हें कौन कितना है, 60 60 डिग्री है। अब कह रहा है कि इतना नहीं हो रहा,
तो कोण हमेशा बनता है समकोण त्रिभुज के साथ। अब बताइए समकोण त्रिभुज में 90 कोण है, तो 90 बोलेंगे हम कैसी है, बी है ना, बी है, बी सी है, तो 90 की कोण है बी है, तो इसी के चलते एंगल जो होगा वो बी को में आना चाहिए। तो बी सी आधार है, ए बी लंब है, तीस के लिए 45 के लिए 60 के लिए ध्यान दो, 60 के लिए बी सी आधार है और बी डी क्या है लंब है। तो फिर से चीज समझ लेते हैं, भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर एक बिंदु था, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के, एक 20 मीटर कैसे है भवन है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगा एक टावर, क्वेश्चन बता सकता है टावर के मीनार का खंभा, लगी एक संचार मीनार, मान ली संचार मीनार है, संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल यही है तल है, और शिखर इस तल है कैसी है शिखर का उन्हें कौन 45 और कितना है 60 है, तो पहले तल आया है तो पहले तल को मिला लेते हैं, कितना डिग्री है 45 डिग्री, अब फिर कुछ कहा शिखर का उन्हें उसी बिंदु से कितना है 60 डिग्री, तो बताइए कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो कुछ भारी नहीं है, बहुत सिंपल है, सिर्फ चित्र को बनाना है, दो बार चार बार करके आगे पीछे वीडियो करके देखे समझ में जरूर आएगा। तो चित्र बनाने के बाद बताए थे कि पहले मान लिया था, अब मानते हैं वही चीज जो चीज निकालना होता है, तो क्या निकालना है मीनार की, अब मीनार की ऊंचाई क्या है एडी, तो माना कि एडी संचार मीनार की क्या है ऊंचाई है, तो संचार मीनार की ऊंचाई मानने के बाद एंगल दो बना है तो त्रिभुज भी क्या बनेगा दो, तो पहले जान लेते हैं कोण त्रिभुज द्वारा है, तो ध्यान दें पहले चलते हैं 45 से, ध्यान देते हैं 45 से त्रिभुज कौन है, तो ध्यान से देखना एंगल जिस भुजा से अटैच हो रहा वही त्रिभुज से बन जाता है, इस 45 के लिए कोण बना है तो बताओ 45 कोण अटैच है, इसमें अटैच है, इसमें अटैच है, तो ये रेखा कहां गया ए, कहां पर आया और बी कहां गया सी, इसके मतलब 45 बन रहा है त्रिभुज ए बी सी बन रहा है, अब 60 के लिए ध्यान दो 60 ये दोनों रेखा में अटैच है, तो ये रेखा कहां लास्ट हुआ है डी, कहां लास्ट हुआ है कब ए जो लास्ट हुआ है, पर त्रिभुज हमेशा समकोण के साथ बनता है, तो डी कहां लास्ट हुआ अब बी कहां लास्ट हुआ, तो 60 के हम कह सकते हैं कि त्रिभुज बन रहा है डी बी सी, इसमें दो त्रिभुज बना एबीसी बना और त्रिभुज डीबीसी बना, बट चले गए किस त्रिभुज में, तो बताए थे कि उसी त्रिभुज में चलना है जिस त्रिभुज का पूरा भुजा मालूम होता है, तो बताओ 20 मीटर जो है किसका मान है एबी का, और एबी किस एंगल का भुजा था 45 का किस का है, तो हम कह सकते हैं 20 मीटर जो है एंगल किसका है 45 का, और 45 के लिए बन रहा है त्रिभुज ए बी सी, तो चलते हैं त्रिभुज ए बी सी, जब त्रिभुज ए बी सी में जब चलेंगे तो किसका यूज करें टैन किसा की क्रॉस, तो सिर्फ ध्यान देना है कि एच दिया है कि निकालना है, तो देखना एच का नाम निशान नहीं है, तो जब एच का नाम निशान नहीं है तो हम लगा सकते हैं डायरेक्ट किसका टैन थीटा, थीटा का मान 45 बटा बराबर है पी बाई एच पी बाई बी पी बटा बी होता है, तो 45 के लंब का नाम है ए बी और आधार का नाम है बी सी, ठीक है टेन 45 का कितना होता है 1 होता है 1, ए बी का मान दिया कितना 20 बटा बी सी, बी सी में क्रॉस मल्टीपल गुणा करो तो बी सी बराबर 20, यह आंसर आया बीसी का मान, पर ये आंसर हमारा नहीं, आंसर ऐसे निकालना है एडी का मान, तो एक और त्रिभुज बचा हुआ है कौन त्रिभुज एंगल 60 की, तो एंगल 60 की जब चलेगा तो एंगल 60 कौन त्रिभुज था डी बी सी, डी बी सी जब एज का नामुनिशान नहीं है तो हमेशा डिसाइड करेंगे टेन थीटा,
और थीटा का मान दिया कितना 60। पी बाई बी तो 60 पी ए लंब का नाम है डीबी, पूरा ना है तो डीबी है लंब। और आधार का नाम पता है क्या जी? बीस। टेन 60 का निकल रहा है डीबी का मान कुछ नहीं पता है ना, पता है। अब बीसी का मान यहाँ तो नहीं पता चित्र में, पर बीसी का मान निकाला है कितना 20। मतलब पूरा चित्र पर ध्यान देना और जहां तक बना है वहां पर ध्यान देना। कॉसमोटी पर बनेंगे तो डीबी बराबर 20 रूट थ्री। हम दोनों त्रिभुज में चल दिए पर हमारा आंसर नहीं आया, आंसर निकालना है एडी। पर एडी क्यों आया है तो बताया है कि डायरेक्ट कभी आंसर आने वाला नहीं है, कभी नंबर को जोड़ेंगे कभी नंबर को घटाएंगे। तो हमारा जब आंसर एडी निकालना है तो ध्यान रखना, इसलिए एडी बराबर एडी छोटा भाग है, छोटा भाग ये पूरा भाग में से ई भाग घटाते हैं ई भाग आ जाएगा, तो एडी कैसे निकालेंगे? तो एडी बराबर डीबी डीबी माइनस एबी, डीबी माइनस एबी, डीबी में से एबी घटाएंगे तो इसका मान आसानी से आ जाएगा। तो डीबी का मान पता कितना है 20√3 और एबी का मान कितना दिया हुआ है 20। इन दोनों में से कॉमन निकलेगा कुछ, क्या निकलेगा 20 कॉमन, तो √3 − 1 तो यही हमारा आंसर होता ना। तो यूनिट लिखकर यह हमारा क्या हो गया आंसर। तो तीन तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा, तो एक बात से इतना समझ में आए तो वीडियो का आगे पीछे करके जरूर देखिएगा, कंफर्म समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8-7 पीछे बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बनाने से पहले इसका निर्देशक आप पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्यायकोण 60 है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्यायकोण 45 है, तो पेडस्टल की ऊंचाई क्या होगा? तो जस्ट 7 का विपरीत क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में देखें आप कि मीनार की ऊंचाई दिया था और संचार मीनार का पूछा, मतलब एक था भवन तो भवन का लंबाई में ऊंचाई नहीं दिया था, भवन वहां ऊंचाई दिया था और संचार मीनार में पूछा था, और यहां विपरीत कर दिया है, संचार मीनार की जगह दे दिया मूर्ति और भवन की जगह दे दिया पेडस्टल। तो कुछ भी दे सकता है, एग्जाम का मतलब होता है भाषा बदलता है भाई, क्वेश्चन पैटर्न वही रहता है। तो हम चीज बनाते हैं एक पेडस्टल के शिखर पर, कहा कि एक पेडस्टल, मान लेते हैं कि ये भी एक पेडस्टल है ठीक, पेडस्टल के शिखर पर, पेडस्टल के शिखर पर, शिखर ये ना है जैसे इस कारण से चल रहा, पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, इसके शिखर पर एक 1.6 मीटर का क्या लगा हुआ है, मूर्ति लगाई हुई है जिसको मान्यता है क्या है सी। अब कहा कि भूमि के एक बिंदु से मान लेते हैं डी से ठीक, भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्यायकोण 60 है, भूमि के बिंदु से मूर्ति का शिखर, तो बता मूर्ति का शिखर ए है कि सी है, सी। तो सी कहेंगे, मूर्ति के शिखर का उन्यायकोण कितना है 60 डिग्री है ठीक। आगे चलो, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्यायकोण 45 है, इसी बिंदु से किसका शिखर का पेडस्टल, तो पेडस्टल का शिखर कौन है ए बिंदु, तो इसका उन्यायकोण कितना है 45 45 डिग्री है।
और क्या एंगल पूरा सकाया क्यों नहीं, तो जितना ट्रा रहा उतना बनाया, तो पेडास्टल ने सीखा का उन्हें को मतलब ए से आया कहा था डी था, तो एंगल भी इस रेखा से इस रेखा में अटैच हो रहा है संकोण से। इस अच्छी समझ लेते हैं, कहा कि एक पेडास्टल के सीटर पर ए भी एक पेडास्टल है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रह हुआ है, शिखर पर एसी एक मूर्ति है जिसका ऊंचाई कितना है 1.6 मीटर, भूमि के एक बिंदु से मतलब डी से मूर्ति के शिखर का उदयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडास्टल के शिखर का उदयन कोण 45 डिग्री है, तो बताइए कि पेडास्टल की ऊंचाई क्या होगा। तो चित्र बनाने के बाद मान लेते हैं, तो माना कि पेडास्टल ऊंचाई पूछ रहा है, पेडास्टल से क्या है ए भी ना, तो माना कि ए भी पेडास्टल की क्या है ऊंचाई है। मानने के बाद चलते हैं त्रिभुज में, कौन त्रिभुज में चले, तो पहले त्रिभुज का नाम पता कर लेते हैं क्या है, ध्यान दो इस 45 लिए कौन त्रिभुज है, तो पहले ध्यान दोनों रेखा क्या है देखो दोनों बना है, तो देखो डी गया ए तक, ए गया बी तक, बी गया डी तक, तो ए बी डी, और देख रहे 45 में ए बी डी में ना ए बी मालूम है न बी डी मालूम है, चलो ए और त्रिभुज पता चल गया 60 डिग्री, देखो 60 यहाँ तक ना है, तो बता डी कहाँ तक गया सी पर, सी कहाँ आया अब बी कहाँ आया, तो त्रिभुज एक और बना है सी बी डी, तो दोनों त्रिभुज को पता कर लिए, बल्कि चलना किसमें है, तो देख रहे हैं कि 45 डिग्री में कोई भुजा नहीं दिया हुआ है, और 60 डिग्री में पूरा भुजा न देकर आधा भुजा दे दिया है, मतलब बीसी का पार्ट है 1/6 है ना, तो पीछे क्लास में बताए थे यदि पूरा मालूम है तो चलो उसमें, यदि नहीं मालूम है तो आधा देगा, और जब आधा देगा तो उस त्रिभुज में कदापि नहीं चलना, चलेगा तो बनेगा फिर प्रोसेस जहां बनाने के लिए 10 मिनट वहां बनेगा आधा घंटा में, तो बताओ 60 में चलेंगे 45 में चले, तो कहेंगे आधा नहीं चलेंगे, चलेंगे कौन में जिसमें नहीं मालूम है उसमें, तो किसमें नहीं मालूम है 45, और 45 के लिए क्या है ए बी डी त्रिभुज ए बी डी में, जब ए बी डी में जब चलेंगे तो ध्यान से देखो न कर्ण निकालना है न कर्ण दिया हुआ है, तो क्या करें tan थीटा, जब कर्ण देवे की आहार निकालना है तो साइन कुछ रहेगा तो tan रहेगा, tan थीटा थीटा में कितना है 45 बराबर लंब बटा आधार, 45 के लिए लंब क्या है ए बी और आधार क्या है बी, tan 45 मान पता होगा कितना होता है 1, ए बी मालूम है हम कहे नहीं मालूम, बी डी मालूम है तो नहीं मालूम, ठीक क्रॉस जब मल्टीपल गुणा करेंगे तो ए बी का मान बी डी का क्या गया बराबर है। अब चलते हैं अगला त्रिभुज, एक और त्रिभुज बचा हुआ है, दो त्रिभुज चल देते पहले, एक और त्रिभुज है सी बी डी, सी बी डी में संपूर्ण त्रिभुज ही बना है ऐसा साथ लिए, तो सीबीडी में चलेगा तो किसका यूज करेंगे, तो ना एच दिया है ना एच निकालना है, तो हमेशा टेन टेन थीटा, थीटा का मान 60 बराबर लंब है आधार, 60 के लिए लंब है सीबी पूरा ना सीबी, और आधार क्या है बीडी, बीडी है टेन 60 का मान रूट थ्री होता है, सीबी का मान चित्र पर ध्यान देना और जहां तक बना वहां बताना, तो कहूं कुछ मिलेगा सीबी का मान तो कुछ नहीं दिया छोड़ देना, अभी बीडी का मान दिया है कुछ नहीं। कुछ तो नहीं दिया, बल्कि जब एबीडी में जब चले थे तो बीडी का मान किसने बोलाया, तो कंफर्म है कि यहाँ यूज हो रहा, तो बीडी जरा हम लिख सकते हैं कैसे, तो चूंकि एबी बराबर क्या है बीडी है, जो हम क्या चुका है क्रॉस मल्टीपल जब गुणा करेंगे तो सी बी बराबर रूट थ्री ए बी, यहां तक पहुंच गए, अब इसके बाद क्या करें, तो इसी को समझना इसी को तोड़ना ध्यान रखना,
सीबी रेखा को लिख सकते हैं ए सी प्लस ए बी। सीबी जो रेखा बना हुआ है वो ए सी और ए बी को जुड़ा कर बना हुआ बना है, तो हम लिख सकते हैं ए सी प्लस ए सी प्लस ए बी। सीबी को लिख सकते हैं ए सी प्लस क्या सी ए बी रूट थ्री जस्ट लेता, और ए बी को कुछ नहीं लिख सकते हैं, ए बी टूटेगा नहीं, ये सिंगल बार है। ध्यान दो ए सी का मान पता है 1.6 बराबर ए बी प्लस में उधर जाएगा माइनस रूट थ्री ए बी प्लस में तो कुछ माइनस 1.6 बराबर इन दोनों से कैसे कॉमेंट रहा है ए बी कॉमेंट कर दो रूट थ्री माइनस 1 ए बी के साथ ही गुणा में इधर आया भागा में ना, तो पहले इतना स्पीस ले तो ए बी के साथ ही गुणा में है इधर आया तुम्हारा मोरा तो हो जाएगा ए बी बराबर 1.6 बटा गुणा बता ना तो क्या मांगा भागा थ्री माइनस 1 तो हमारा आंसर ए भी चाहिए ये भी मिल गया है, बट ऐसा आंसर कभी होता होता नहीं है, इसको बदल देते हैं। तो पता है कि नीचे नेगेटिव में है हर परिमाण जब करेंगे तो क्या से करेंगे नेगेटिव है तक पॉजिटिव से रूट थ्री प्लस 1 बटा रूट थ्री प्लस 1 लिख सकते हैं। अब गुना जब चिन्हाया तो ऊपर से ऊपर गुना नीचे से नीचे गुना, तो जब गुना करेंगे तो 1.6 रूट थ्री प्लस 1 बटा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं। अब इस टाइम चलते हैं तो 1.6 रूट थ्री प्लस 1 बटा स्क्वायर से कर दी खत्म तो 3 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। 1.6 रूट थ्री प्लस 1 बटा 3 में से क्या तो बचेगा 2। 2 से नंबर कट रहा है के बारे में तो 8 × 16 मतलब 0.8 तो आया कितना 0.8 रूट थ्री प्लस 1 तो किसका मान आया ए बी का मान, और ए बी असल में क्या था पेडस्टल की ऊंचाई, यही हमको चाहिए भी तो मीटर ये हमारा क्या हो गया। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अब प्रॉब्लम यही हो रहा कि चित्र में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो हम यही राय सलाह देंगे जितने बार क्वेश्चन बनाएंगे उतने फायदा होगा, एक बार दो बार तीन बार वीडियो लगे आगे पीछे जरूर देखें और ज्यादा फोकस चित्र पर है, चित्र बन गया तो कैलकुलेशन कुछ नहीं है आसानी से सकते हैं।